सो हे गाइस, कैसे हो तुम सभी लोग। आई होप कि तुम लोग अच्छे होगे और यार आगे भी अच्छे ही रहना। आज तुम्हारा भाई तुम सभी के लिए फ्री रिवॉर्ड और डायमंड वाले इवेंट को लेकर काफी सारी मस्त मस्त सी अपडेट लेके आ चुका है। जैसे कि अपना विंटर विश इवेंट कब आएगा, क्या इसकी डेट रहेगी, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। विंटरलैंड इवेंट में अपने को फ्री में मैजिक क्यूब मिलेगा या फिर नहीं, अगर मिलेगा तो कैसे, वो भी आपको पता चल जाएगा। बात करेंगे आप लोग अपने स्ट्रीट ठग बंडल के बारे में, न्यू टोकन टावर के बारे में, अपकमिंग फेडल व्हील के बारे में, विंटरलैंड इवेंट का पूरा शेड्यूल दिखाने वाला हूँ। कुल मिला के गाइस आज का ये वाला वीडियो कते रैपचिक से लेके बुम्बास्टिक होने वाला है। आइए देखते हैं मजा आएगा। आइए गाइस वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने एक मस्त से फेडल व्हील से। जैसा कि आप सभी को पता होगा ये मंथ भाई अपना विंटरलैंड स्पेशल है, ठीक है। तो भाई विंटरलैंड इवेंट स्पेशल ही यहाँ पे एक मस्त सा फेडल व्हील निकल के आ रहा है। इस फेडल व्हील के अंदर अपने को विंटरलैंड इवेंट 2022 का भाई यहाँ पे एक रनिंग इमोट देखने को मिल जाता है। मैं आप सभी को ऑलरेडी बताते हुए आ रहा हूँ कि भाई जब भी कोई न्यू इवेंट आने वाला होता है तो उस इवेंट के ओल्ड रिवॉर्ड गरना रिटर्न में दे देता है। तो भाई इसी तरह विंटरलैंड इवेंट 2023 के अंदर अपने को विंटरलैंड इवेंट 2022 के काफी सारे रिवॉर्ड रिटर्न में देखने को मिलने वाले है। तो यहाँ पे अपने को कुछ इस तरह का का फेडल व्हील निकल के आ रहा है जो कि अपने को विंटरलैंड इवेंट के दौरान देखने को मिलने वाला है। बाकी तो गाइस आप लोग इसका वेट करो, विंटरलैंड इवेंट के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगा। और जरूरी नहीं है कि ये इमोट फेडल व्हील में आए, ठीक है, गरना किसी और इवेंट के अंदर भी इसे दे सकता है। अगर आपको पसंद है तो आप लोग इसका वेट कर सकते हो, बहुत जल्द इसका इवेंट वगैरह आ जाएगा। आपको गाइस याद होगा विंटरलैंड इवेंट 2022 का जो लुक चेंजर है, ठीक है गाइस, उसका हमें यहाँ पे प्रे मिला हुआ था। अगर गाइस आप लोग इस अपने ओल्ड लुक चेंजर आने का वेट कर रहे हो तो मैं आपको एक हिंट देता हूँ। अपने विंटरलैंड इवेंट 2023 का न्यू इवो बंडल, ठीक है, और उसके साथ में लुक चेंजर है जो कि इस मंथ का लास्ट में आने वाला है। तो भाई ये जो अपना लुक चेंजर है, ठीक है गाइस, वो आपको विंटरलैंड इवेंट का जो न्यू इवो बंडल है, ठीक है, उसके आने से पहले देखने को मिलेगा। क्योंकि न्यू लुक चेंजर आने के बाद इस ओल्ड लुक चेंजर को भाई गरना देगा तो इसे कोई परचेस नहीं करेगा। तो गाइस याद रखिएगा, ठीक है गाइस, बहुत जल्द इस लुक चेंजर का आपको टोकन व्हील नहीं तो भाई लक रोल वगैरह देखने को मिल जाएगा। लेकिन गाइस अपना न्यू इवो बंडल और न्यू लुक चेंजर गेम के अंदर आ जाता है, ठीक है, और ये नहीं आता तो भाई फिर पक्का समझ लेना कि ये ओल्ड लुक चेंजर नहीं आने वाला। क्योंकि गाइस ओल्ड आइटम न्यू आइटम आने से पहले ही आती है, ठीक है गाइस, उसके बाद नहीं आती। बाकी तो आप लोग इसका वेट करो, जैसे मुझे इसके रिगार्डिंग कंफर्म अपडेट वगैरह मिल जाती है मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा। वीडियो में 180 की स्पीड से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की। तो यहाँ पे देखो गाइस अपने विंटरलैंड इवेंट का शेड्यूल निकल के आ गया है। यहाँ पे गाइस हमें विंटरलैंड इवेंट के अंदर एक फीमेल का बंडल फ्री में देखने को मिल जाता है, म्यूजिक की सीडी है, ठीक है, यहाँ पे भाई अपना वोकोंग का कैटर स्किल स्किन है, एक मस्त सी हेलमेट की स्किन है, एक मस्त सा भाई टी शर्ट है और यहाँ पे एक ग्लू वॉल की स्किन है। लास्ट में गाइस एक मस्त सी एसवीडी की स्किन भी हम सभी को फ्री में मिल जाती है। मस्त सी मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको पता होगा मैंने आप सभी को बोल के रखा हुआ है कि भाई विंटरलैंड इवेंट के अंदर से अपने को जो सप बोड़ा वाला इमोट है वो फ्री में मिलने वाला है, ठीक है, तो वो भी गाइस यहाँ पे शो किया गया है। होमर और तत्सुया कैरेक्टर की स्किल स्किन देखने को मिल जाती है, पेट की स्किन अपने को देखने को मिल जाती है, ठीक है। मोटी मोटी सी बात भाई यही है कि मैंने जो आपको रिवॉर्ड गाइस बताए थे, ठीक है, वो यहाँ पे रिवॉर्ड फ्री में मिलने वाले है। वुकोंग का बच्चा बेबी वुकोंग आपको मिलने वाला है। जी हाँ गाइस मैं बात कर रहा हूँ वुकोंग कैरेक्टर की स्किल स्किन की, ठीक है। फिर अपने को यहाँ पे भाई मस्त सी एसवीडी की स्किन मिल जाती है, ठीक है, और एसवीडी की स्किन आपको भाई टाइम के लिए मिल रही है, ठीक है, लेकिन आपको पता होगा जो भी गन स्किन अपने को 100 दिन के लिए मिलती है, ठीक है, वो परमानेंट मिल जाती है, तो ये गन स्किन भी परमानेंट ही है। यहाँ पे कुछ नॉर्मल से रिवॉर्ड भी फ्री में मिलेंगे, जैसे कि अपना लोबी प्लांट आप लोग देखो जो अपन लोग लोबी में लगा पाते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ अवतार बैनर है, ठीक है भाई, मस्त मस्त से अवतार है। और लास्ट में यहाँ पे अपने को एक टोपा हेलमेट की स्किन भी मिल जाती है। शेड्यूल गाइस बाहर के काफी सारे सर्वर के अंदर लॉन्च कर दिया गया है, अपने इंडियन सर्वर के अंदर भी जल्द आ जाएगा और इनमें से 95% ठीक है जो रिवॉर्ड है वो अपने इंडियन सर्वर के अंदर मिलने वाले हैं। कुछ रिवॉर्ड गाइस यहाँ पे चेंज हो गए लेकिन बाकी के मोस्ट ऑफ सारे रिवॉर्ड यहाँ पे आपको अपने इंडियन सर्वर के अंदर मिलने वाले है। मेरे ख्याल से गाइस विंटरलैंड इवेंट अपना 2-3 दिनों के अंदर स्टार्ट हो जाना चाहिए, बाकी देख
देखते कि भाई कब स्टार्ट होता है। आइए गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की। तो भाई अपने फर्स्ट फायर मुट्ठी की स्किन आपको याद होगी भाई काफी तगड़ी है। तो इस मुट्ठी की स्किन को लेकर गाइस यहाँ पे कुछ इस टाइप का टोकन टावर निकल के आ रहा है जो कि आप लोग देख सकते हो। इस मुट्ठी की स्किन को लेकर गाइस मेरे पास टोटल 3 अपडेट है। पहला तो गाइस कुछ इस टाइप का टोकन टावर जिसके अंदर सिर्फ ये वाली मुट्ठी की स्किन हो। दूसरा गाइस मोको स्टोर इवेंट, क्योंकि आपको पता होगा ज्यादातर मुट्ठी की स्किन भाई मोको स्टोर में ही आती है। तीसरा अपडेट के बाद अपना जो न्यू इवो बंडल आने वाला है, ठीक है, वो भी टोकन टावर के अंदर ही आने वाला है। तो क्या पता ये वाली मुट्ठी की स्किन उस टोकन टावर के अंदर आ जाए। लेकिन गाइस जो भी हो मैं आपको एक कन्फर्म अपडेट देता हूँ, ये वाली मुट्ठी की स्किन भाई इसी मंथ आने वाली है और वो भी 100% कन्फर्म। बाहर के कुछ सर्वर के अंदर गाइस ये वाली मुट्ठी की स्किन भाई टोकन टावर के अंदर दी जाने वाली है, ठीक है, और कुछ सर्वर के अंदर फेडल व्हील में। आप मुझे कमेंट के अंदर गाइस बताइए ये वाली मुट्ठी की स्किन आपको कैसे लगी। मेरे को भाई इतने कुछ खास नहीं लगी, ठीक है, क्योंकि इसका कलर कॉम्बिनेशन और इसका आवाज कुछ मेरे को अच्छा नहीं लगा है। बाकी चलिए गाइस मुट्ठी मारते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। समझ रहे हो आप साले तू। आइए गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की। तो यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है अपने स्ट्रीट ठग बंडल को लेकर। तो भाई लिक्स के अकॉर्डिंग अपना ये जो भाई स्ट्रीट ठग बंडल है वो आपको बहुत जल्द गाइस रिटर्न में देखने को मिलने वाला है। अगर आप लोगों ने गाइस मेरी कल वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा ब्रेक डांसर बंडल अपने गेम के अंदर आने वाला है, जो कि 100% कन्फर्म हो चुका है। क्योंकि गाइस अब भाई गरना रेयर से रेयर चीज, ठीक है, और जो अपने ओल्ड बंडल है वो भाई रिटर्न में देना स्टार्ट करने वाला है। भाई इसी के बीच में गाइस आपको कुछ इस टाइप का मोको स्टोर इवेंट नहीं तो गाइस लकर रोल देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको स्ट्रीट ठग बंडल और इसका फीमेल बंडल भी देखने को मिल जाएगा। हाल फिलहाल तो गाइस इसके कन्फर्म डेट निकल के नहीं आई है, लेकिन एक बात को समझ लो, ठीक है, कि भाई बहुत जल्द ये रिटर्न में आने वाला है। और जैसे गाइस मेरे को इसका ऑफिशियली पोस्टर और डेट वगैरह मिल जाते हैं मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और गाइस बात करते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की। तो क्या इस बार अपने को विंटरलैंड इवेंट के अंदर से फ्री में मैजिक क्यूब मिलने वाला है? तो भाई ये आंसर जानने के लिए गाइस आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि भाई दिवाली इवेंट के टाइम अपने को ऑलरेडी एक मैजिक क्यूब फ्री में मिल चुका है। तो जहां तक गाइस मेरे को लगता है विंटरलैंड इवेंट के अंदर से भाई अपने को फ्री में मैजिक क्यूब नहीं मिलने वाला, क्योंकि इसका बहुत ही कम चांस है और ज्यादातर बाहर के काफी सारे सर्वर के अंदर भी गाइस फ्री में, ठीक है, विंटरलैंड इवेंट के अंदर मैजिक क्यूब नहीं मिलने वाला। अब भाई 100% कंफर्म मैजिक क्यूब मिलेगा या फिर नहीं, ठीक है गाइस, वो अपने को तब पता चल जाएगा जब अपने गेम के अंदर विंटरलैंड इवेंट का शेड्यूल नहीं तो कैलेंडर आ जाएगा। तो अभी तो गाइस मैं आपको बस यही कहना चाहूंगा कि आप लोग भाई वेट करो, क्योंकि भाई गरना यार शेड्यूल नहीं ला रहा है, ठीक है, और न ही कैलेंडर ला रहा है। बाकी तो भाई सब कुछ गरना के ऊपर डिपेंड करता है। आइए गाइस तो फाइनली अब बात करते हैं अपन लोग इस वीडियो के मेन टॉपिक की, यानी अपने विंटर विश इवेंट की। हर बार की तरह गाइस इस बार भी आपको हमारे विंटरलैंड इवेंट के अंदर आपको विंटर विश इवेंट देखने को मिलने वाली है। विंटर विश इवेंट में कुछ ऐसे रिवॉर्ड जो कि रहेंगे, जैसे कि ओल्ड मैन मास्क, अपना ब्लैक टी शर्ट, अपना ग्लेशियर डेविल बंडल, ठीक है, जो कि अपने विंटरलैंड इवेंट के है वो इसके अंदर रहेंगे। बाकी तो गाइस वही अपने कुछ फालतू के, ठीक है, कचरा आइटम भी आपको इस विंटर विश इवेंट के अंदर देखने को मिलेगी। विंटर विश इवेंट के अंदर गाइस अपनी विंटरलैंड M187 की स्किन भी रह सकती है, लेकिन इसका मेरे को कंफर्म अपडेट नहीं मिला है। अगर बात करें भाई विंटर विश इवेंट की डेट की तो अभी इसकी कंफर्म डेट निकल के नहीं आई है, पॉसिबल डेट निकल के आई है और वो रहेगी 25 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच में। विंटर विश में गाइस कोई भी चेंजेस होता है, डेट के अंदर चेंजेस वगैरह निकल के आता है, तो मैं सब कुछ आपके साथ टाइम के साथ शेयर करता रहूंगा। इस चैनल पे गाइस जो भी लोग न्यू आ रहे हैं, ठीक है, न्यू यूजर है, उनको बता दूं कि भाई आज रात के 12 बजे के बाद, नहीं तो आने वाले 10 दिसंबर को अपने गेम के अंदर एक मस्त सा ब्रेक डांसर का भाई लकर रोल आने वाला है, ठीक है, जो कि आप लोग देखो इसके अंदर अपना ब्रेक डांसर बंडल रहने वाला है। सिर्फ अपना ब्रेक डांसर बंडल नहीं, अपना स्टेट फॉक्स पैंट भी रहने वाला है, जो कि मेल के अंदर और फीमेल के अंदर, ठीक है, दोनों के अंदर आपको मिल जाता है। लास्ट में एक तीसरा पैंट भी है, जो कि ये भी गाइस काफी मस्त है, ठीक है। तो भाई कुल मिला के ये लकर रोल काफी बेस्ट रहेगा। इसके रिगार्डिंग एक भाई का क्वेश्चन भी था कि इस लकर रोल के अंदर कितने डायमंड लगेंगे,
है। तो देखो गाइस, मेरे पास तकरीबन 1000 डायमंड के आसपास है, ठीक है, और मैं 1000 डायमंड के अंदर इसे निकालने के ट्राई करने वाला हूँ और इसके ऊपर एक वीडियो भी आएगी। अगर गाइस आपको 100% कन्फर्म निकालना ही है, ठीक है, तो भाई कम से कम आपके पास 2000 डायमंड होने ही चाहिए। तो गाइस ये लक रोल कल नहीं तो गाइस परसों अपने गेम के अंदर आ जाएगा। बात करते हैं कुछ लकी कमेंट के रिप्लाई की, तो एक भाई ने पूछा है क्रिमिनल बंडल कब आएगा। तो भाई क्रिमिनल बंडल अभी आया था, ठीक है, अब अगर आपको वापस चाहिए तो 1 साल का वेट करो, 1 साल बाद वापस रिटर्न में देखने को मिलेगा। विनाशको वाइटी ने कहा है न्यू इवो बंडल कब आएगा, क्या डेट रहेगी और कौन से इवेंट में आएगी। तो भाई अपना न्यू इवो बंडल इस मंथ का लास्ट में आने वाला है, इवेंट टोकन टावर रहेगा लेकिन डेट 100% कंफर्म नहीं हुई है। रोमानी सिंह ने कहा है मेरा कमेंट कभी नहीं देखते हो ब्रो, समुराई बंडल कब आएगा। तो देखो भाई अभी तो समुराई बंडल को लेकर मेरे पास कोई अपडेट नहीं है और न ही कोई यूट्यूबर तुम्हें देगा, क्योंकि भाई अपडेट नहीं है, ठीक है, तो आप वेट करो। कौशल पंडित ने कहा है लोल इमोट, रोजी इमोट, दिल टूटा इमोट, ये सब इमोट कब आएंगे। तो भाई ये सारे इमोट एक साथ में वैलेंटाइन डे इवेंट में आते हैं, ठीक है, लेकिन एक एक करके भाई अपने इमोट पार्टी इवेंट में आते हैं। तो इमोट पार्टी इवेंट का वेट करो, क्या पता इनमें से कोई एक इमोट अपने इमोट पार्टी में आ जाए। इमोट पार्टी इवेंट इस मंथ नहीं तो गाइस नेक्स्ट मंथ आने वाला है, ठीक है, तो आप लोग वेट करना। लेकिन तब तक के लिए गाइस विंटरलैंड इवेंट के अंदर से आप सभी को फ्री में बंडल मिलने वाला है। अगर इसके बारे में जानना है लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो, और भी अपकमिंग इवेंट्स और अपडेट के बारे में जानना है राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो।